एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज सीखेंगे हम कैसे किसी नंबर को डिवाइड करा जाता है। देखो हमें 1936 को हमें 16 से डिवाइड करना है। ये जो बाहर वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं डिवाइजर, जो डिवाइड करेगा उसको डिवाइजर। ये वाला होता है डिविडेंड, ठीक है। जो ऊपर आंसर आता है उसको बोलते हैं हम क्वोशेंट, आंसर भी बोलते हो तुम लोग, है ना। और जो यहाँ पे बचता है इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये जो डिविडेंड होता है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ये वाला जो डी है वो डिवाइजर के लिए। देखो इसको ना अभी हम देखते हैं, जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो देखते हैं कैसे क्या है, फिर समझ में आएगा थोड़ा इजीली। चलो इनको हम डिवाइड करते हैं। देखो 16 की टेबल पढ़ो, 16 ones are 16, 16 twos are 32, तो ये बड़ा हो जाएगा 19 से, है ना। 16 ones are 16, छोटा रहेगा, तो 19 आए, 19 से छोटा है तो कितना आएगा 3, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, 16 twos are 32, 16 threes are 48। तो देखो ये 33 जो है वो 32 और 48 के बीच में, अगर मैं 3 टाइम्स करूंगी तो 48 बड़ा हो जाएगा, तो मैं 2 टाइम्स लूंगी इसे 32, राइट। कितना बचा, 1, क्या हो गई, 6 नीचे आ जाएगा, 16 ones are 16, रिमाइंडर कितना हुआ, 0। तो देखो डिवाइजर हमने क्या पढ़ा था, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट। क्या है क्वोशेंट, 121, रिमाइंडर कितना है, 0, ठीक है। तो देखो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आएगा, 1936। तो देखो इक्वल हुआ, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही चेक करा है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। यहां पे मैं आपको एक बड़ी अच्छी ना एक ट्रिक बताती हूँ, देखो मैंने वो शॉर्ट्स में भी डाल रखी है। देखो अगर तुम्हें किसी नंबर को डिवाइड करना है 37 से, उसमें ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो तुम्हारा डिविडेंड है वो रिपीट हो रहा है, जैसे 4 4 4 5 5 5 7 7 7, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक है कि नहीं, अगर ट्रिक पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। चलो अगला देखो, अगर 5 5 5 को तुम्हें डिवाइड करना है 37 से तो क्या होगा, 5 + 5 + 5 हो गया 15, ठीक है। चलो 6 6 6, इसका तुम लोग बताना वो कमेंट सेक्शन में जाकर, अगर हमें इसे 37 से डिवाइड करना हो आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो सिंपल है ना, और कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलो अब हम करते हैं 47 से डिवाइड, इसको डिवाइड करना है हमें 47 से, ठीक है। तो देखो डिवाइजर 47, डिविडेंड ये हो गया, ठीक है। अब देखो 47 अगर मैं 19 तो जाएगा नहीं, छोटा है, तो 198 देखो कौन इससे क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 देखू, 3 7 21, 3 4 12, 144, है ना, 3 टाइम्स तो 144 जा रहा है। और मैं अगर इसको 4 टाइम्स करती हूँ 47 को, तो देखो 7 4 16 17 18 188, इसका मतलब ये 4 टाइम्स जा रहा है ना, 5 टाइम्स तो ये बड़ा हो जाएगा, ये 4 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। ये हो गया 188, कितना हो गया, 0 1, ठीक है, जब माइनस करा। अब क्या होगा, ये जो ऊपर वाला जो 8 है ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, क्लियर। अब देखो हमने इसको क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स करा था तो कितना आ रहा था, 2 7 14 2 4 8 9 94 आ रहा था, ठीक है। तो हम इसको 2 टाइम्स करेंगे, ये हो जाएगा 94, कितना बचा, 4, और इधर कितना बचा, 1 14, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो आगे वाला 1 था लास्ट वाला, ये 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सोचो ये 7 है ना, तो मैं तो ऐसे सोच रही हूँ, मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, है ना, तो 3 7 21 लास्ट में बना रहे, तो मैं ऐसे लेके चलती हूँ, 3 7 21, 3 4 12, 13 14, देखो जा रहा है ना ये पूरा, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया, क्लियर। अब देखो इसको चेक करना है हमें, तो देखो हम क्या करेंगे, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, कितना आ गया, 19881, ये किसके इक्वल है, ये हमारा डिविडेंड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमने जो करा है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्लियर। ये हमारा चेकिंग पार्ट है, तो लिख दो ऊपर चेक, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे।
341 से डिवाइड करना है, ठीक है? तो बहुत बड़ा नंबर है 341, तो चलो देखो गन भाई, ये तीन लेती हूँ नंबर तो ये छोटे 341, तो हमें ये चार ही नंबर लेने पड़ेंगे अभी, ठीक है? तो देखो थ्री की टेबल पढ़ो तुम, 341, अगर मैं इसको सेवन से करती हूँ, सेवन वन जा सेवन, सेवन फोर जा 28, सेवन थ्री जा 21, 22, 23, ठीक है? तो देखो अगर मैं एट टाइम्स लेके जाऊंगी तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको सेवन टाइम्स कर देती हूँ, 2, 3, 8, 7, ठीक है? या तो नंबर मुझे 2577 मिलना चाहिए था, इससे छोटा मिलना चाहिए था, ठीक है? देखो माइनस करो, यहां मिलेगा जीरो, फिर ये कितना हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो आपको मिलेगा 9, 4 में से 1 गया, ठीक है? अब देखो 9 नीचे आ जाएगा, क्लियर? अब देखो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अगर मैं देखो 5 3 15 होता है ना, और ये 19 है तो 5 से सही जाएगा, 5 1 5, 5 4 20, 5 3 15 16 17, ठीक है? इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा हमें, 402, ठीक है? नेक्स्ट क्या होगा, 6 नीचे आ जाएगा। अब देखो मैं इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझको ये वाला मिले, ठीक है? तो देखो 6 मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम इससे, 6 1 6, 6 4 24, 6 3 18, 20, ठीक है? तो इसका मतलब यही आंसर आ रहा है ना, तो हम इसे 6 से करते हैं, 2046। तो देखो यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, करो डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें क्या आंसर मिल रहा है, 257796। देखो ये जो तुम्हारा डिवाइजर ही था है ना, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा है, राइट? चलो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फाइव 82 हमें 612846 को डिवाइड करना है 582 से, ठीक है? तो देखो वन टाइम जाएगा क्योंकि 612 है ना, तो ये एक ही दफा में पहले में जा रहा है, तो ये जीरो, 11 में से 8 गया बचा 3, हाँ चलो अब क्या होगा, ये 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब तो देखो नहीं जा रहे हैं, है ना, 582 बड़ा है, 308 छोटा है, तो मैं क्या करूंगी, एक जीरो लगा के नेक्स्ट नंबर नीचे ले लूंगी, तो मैंने 4 को नीचे ले लिया, ठीक है? अब देखो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये वाला नंबर है, ये इससे छोटा नंबर है, ठीक है? हम 5 से करके देखते हैं, तो देखो 5 2 10, 5 8 41, 5 5 25, 29, ठीक है? तो हमने इसको 5 से करके, है ना, देखो इस नंबर से छोटा है, अगर मैं 6 टाइम करूंगी तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? ये कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, 4 7, ये हो जाएगा 1, ठीक है? अब क्या होगा, ये 6 नीचे आ जाएगा। अब देखो इस नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, इस नंबर में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो 3 2 6, 3 8 24, 3 5 15 और 17, है कि नहीं? तो देखो इसको चेक कैसे करेंगे हम, अगर हमारा डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट यहाँ पे कितना आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 2 6 4, इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्लियर है? सही? देखो हमने रिमाइंडर क्यों नहीं ऐड कर रहे, रिमाइंडर जीरो ऐड कर दो, ऐड करने से तो कुछ नहीं जा रहा है ना, ठीक? अब हमें फिफ्थ है हमारे पास 34419 को आपको डिवाइड करना है 149 से, ठीक है? तो देखो 149 से डिवाइड करो 34419 को, अगर मैं 2 टाइम्स करती हूँ देखो इसको, ठीक है? अगर ये 150 भी होता है तो 2 टाइम्स करने से 300 हो जाएगा ना, तो ये 149 है, आपने 2 टाइम्स करा, 2 9 18, 2 4 8 9, 2 1 2, ठीक है? कितना बचा है यहाँ पर, ये बचा 6, ठीक है? अब 13 में से ये जाएगा 4, ठीक? नीचे आ जाएगा आपका ये 1, राइट?
देखो अब हम कितने टाइम्स, थ्री टाइम्स इसको करें, थ्री नाइन जार 27, 3 4 जार 12, 14, 3 1 जार 3, 4, 11 में से ये जाएगा बचेगा 4, है ना। अब देखो 5 में से, यहाँ 5 में से ये गया बचा 1, अब क्या करेंगे लास्ट में 9, 9 को नीचे ले लो, तो पूरा पूरा वन टाइम जाएगा। चलो अब हम चेक करते हैं, 149 डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर कर लो, तो देखो कितना आंसर आए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 34419, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, राइट। चलो इसको मैं डिवाइड करना है 1001 से, ठीक है। तो देखो 1001 का मतलब शुरू के चार ही डिजिट लेने पड़ेंगे, है ना, थ्री टाइम्स लेके जाओ इसको, तो ये हो जाएगा 3003, है कि नहीं, 009, ठीक, ये 9 नीचे आ जाएगा, अब मैं इसको 9 टाइम्स लेके जा सकती हूँ, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक। तो देखो इसको चेक करो, कैसे चेक करेंगे हम, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, कितना आ रहा है ये 39039, ठीक है। तो देखो ये तो हमारे है ही डिविडेंड की इक्वल, राइट। चलो अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करना है, अगेन हमको वैसे ही जो है डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है हमको 47 से, ठीक है ना। तो देखो इसको वन टाइम्स करते हैं 47 से, ठीक है, ये बचेगा 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है, अब ये 7 नीचे आ गया, ठीक। तो देखो अभी कितने टाइम्स जा सकता है, अगर मैं इसको 4 टाइम्स करती हूँ, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, 17 18, ठीक है, कितना बचेगा ये आपका, 17 में से 8 गया बचा 9, ठीक है, यहाँ क्या बचा था 11, 2 की जगह 1 था, इधर 1 आ गया, यहां से ये 1 लेगा तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा बचेगा 3, ठीक है, अब क्या होगा ये 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको अब कितने टाइम्स करूं कि या तो ये पूरा चला जाए, ठीक है, ऐसे छोटा है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे करती हूँ 8, 7 8 जा 56, 8 4 जा 32 37, कितना बचा है 11 में से ये जाएगा बचेगा 5, ये बचेगा 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर है हमारा 15, और क्वोशेंट कितना हो गया हमारा 148, राइट, ठीक है। तो देखो इसको हम चेक कैसे करेंगे, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट 148, उसमें जो आंसर आएगा 15 ऐड करो, ठीक है, चलो हमको ये चेक भी करना है। तो चेक कैसे करेंगे हम, 148 को मल्टीप्लाई करो 47 से, ठीक है, तो देखो 7 8 जा 56, है ना, 7 4 जा 28 29, 4 1 जा 7 जा 7 8 9, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 19, 4 1 जा 4 5 18 19 6, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो नंबर आया है इस नंबर में 15 ऐड करो, ठीक है, देखो हमने यहां गड़बड़ी कर दी थी ना, 7 8 जा 56 और बोला था 5 लिख देता 2, है ना, 7 4 जा 28 और 7 4 जा 28 उसमें 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 33, राइट। तो देखो हम यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ पे जाते हैं 3, ठीक है, 7 वन जर 7 और ये हो जाएगा हमारा 10, राइट। अब इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 और ये, ठीक है, तो देखो दिस नंबर वॉज ये। अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 5 6 7
9, 6, ठीक है। देखो ये तो हमारा बन ही रहा है डिविडेंड, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही डिवाइड करा है, राइट। चलो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। फोर वन सेवन एट को आपको डिवाइड करना है 35 से, ठीक है। तो देखो 35 बाहर लिखा, 4178 अंदर लिखा, 1 टाइम्स जाएगा 35, ठीक है, ये बच जाएगा 6, 7 को उधर ले लो, 35 टू 70 इससे बड़ा हो रहा है, तो मैं 1 टाइम्स कर लू 35, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3, ठीक है। अब 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको कितने टाइम्स लेके जा सकती हूँ, अगर मैं इसको 9 टाइम्स करती हूँ, देखो 10 टाइम्स करूंगी तो 350 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, 9 टाइम्स करती है ना, 5 9 जार 45, 9 3 जार 27 और 31 जाएगा 3 और 1, ठीक है। कितना रिमाइंडर आया है यहाँ पे 13, तो लिख दो क्वेश्चन इज इक्वल टू 119 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन 119, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है 13, डिवाइजर की जगह 35 इंटू 119 करो, जो आंसर आया उसमें 13 करो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 4178, ठीक है, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही डिवाइड करा, राइट। चलो अब हम चलते हैं इसके थर्ड प्रॉब्लम पे। थ्री सिक्स वन नाइन फाइव इसको आपको डिवाइड करना है 153 से, ठीक है, तो लिखो 153 से। देखो अगर मैं इसको 2 टाइम्स लेके जाती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 2 1 2 और 3 ये हो जाएगा 4 5, ये बचेगा 5, ठीक है। अब 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इसको अब आप ले जा सकते हो 3 से लेके जाओ, 3 3 9, 3 5 15, है ना, 3 1 3 और 4, ये हो जाएगा 0 0 और 1, ठीक है। अब क्या होगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो देखो अभी किससे जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा तो 1005 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको 6 से लेके जाऊं, 6 3 18, 6 5 31, 6 1 6 और 9, ठीक है। आप जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, इधर यू विल गेट 9, ठीक है, 8, तो ये आंसर विल बी 87, ठीक है, 9 में से 1 जाएगा तो यू गेट 8 है, राइट। अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन इज इक्वल टू 236, रिमाइंडर इज इक्वल टू 87, है ना। अब आप कैसे चेक करोगे इसको, 153 इंटू 236 करो, प्लस जो आंसर है उसमें 87 ऐड कर देना, ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, यू विल गेट द आंसर एज 36195, ये हमारा चेक हो गया, राइट। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। देखो यहां पर हमारे पास नंबर है, इसको हमें डिवाइड करना है 400 से, ठीक है, देखो 400 से डिवाइड करो, 400 2 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, तो हम इसे 2 से ले जा सकते हैं, 2 4 8 00, सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा, 5 और 3 और 1, ठीक है, ये 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब 3 से करती हूं तो देखो 0 0 3 4 12, ये बचा ये और 1, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट फिर इसके 5 नीचे आ जाएगा, ठीक, तो फिर अगर मैं इसको 3 से करती हूं तो फिर से ये 1200 हो जाएगा, ये और ये 3, ठीक है। तो यहां पर देखो कितना बड़ा रिमाइंडर आ रहा है ना, तो देखो क्वेश्चन इज इक्वल टू 233, राइट, रिमाइंडर इज इक्वल टू 375, चेक आप लोग खुद करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें 355 ऐड कर देना, तो यू विल गेट दिस आंसर, राइट। चलो अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। टू थ्री जीरो टू फाइव
5 को डिवाइड करना है हमको 1000 से, ठीक है। तो देखो लिखो 1000 23025, इसको मैं 2 टाइम्स करती हूँ तो कितना हो जाएगा 2000, है ना। 2 बचा 0 और 3, क्या होगा ये 5 नीचे हो जाएगा। अगर मैं 3 टाइम्स करती हूँ तो ये हो जाएगा 3000, कितना बचा 25। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन कितना आ गया 23, ठीक है। क्वेश्चन इज इक्वल टू 23 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 25। चेक हम कैसे करेंगे, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यू विल गेट दिस आंसर, क्या मिलेगा हमको 23000। जब इन दोनों को वो करेंगे, इसमें तुम 25 ऐड करो तो मिलेगा 23025, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसके 6th पार्ट पे, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 16135 को आपको डिवाइड करना है 875 से, ठीक। तो देखो 875 16135 किससे जाएगा ये, दिस इज योर 6th पार्ट, है ना। अगर मैं इसको 1 टाइम्स लेके जाती हूँ 875, है ना। तो देखो 13 में से 5 गया तो वी विल गेट 538, ठीक है। ये बचा 10 हो गया, 10 में से ये जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। इसने इससे 1 लिया तो ये 5 बचा यहां पर, राइट 15 आ गया, है ना। ये 15 हो जाएगा क्योंकि ये इससे लेगा, 15 में से ये जाएगा तो बचेगा कितना 7। अब देखो 5 नीचे आ जाएगा, है ना। मैं इसको किससे कर सकती हूँ, अब 8 टाइम्स करके देखो 8 5s are 40, 8 7 8s are 56 और 4 60 हो जाएगा, 8 8s are 64 और 6 हो जाएगा 70, ठीक है। ये 5 8 3 बचा, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहां पर आपके पास क्वेश्चन आया 18, रिमाइंडर आया 385। हम चेक कैसे करेंगे, 875 into 18 करो, ठीक है, उसमें फिर ऐड करो 385। आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यू गेट द आंसर एज 16135, ठीक है। तो ये इसका चेक हो गया। हियर वी कंप्लीट द सेकंड क्वेश्चन, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।